नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 13वें दिन भी जंग जारी है। युद्ध के 13वें दिन रूस ने मंगलवार को कीव, चेर्निहाइव, सुमी, खार्किव और मरियुपोल शहरों में मानवीय कॉरिडोर को खोलने के लिए युद्ध विराम की घोषणा की है, जिसमें अधिकांश मार्ग रूस या उसके सहयोगी बेलारूस की तरफ जाते हैं। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस कदम को एक पब्लिसिटी स्टंट बताया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस लगातार उन पर हमले कर रहा है। आजकल डिजिटल पेमेंट करने का चलन बहुत बढ़ गया है। डिजिटल पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप के जरिए किया जाता है, जिसमें आपको इंटरनेट और स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब आप स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना भी पेमेंट कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने घोषणा की है कि फीचर फोन वाले लोग जल्द ही भुगतान करने के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे। फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कपिल शर्मा पर उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को शो पर प्रमोट नहीं करने का आरोप लगाया है। फिल्ममेकर ने दावा किया है कि फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है, इसलिए कपिल ने उन्हें शो पर नहीं बुलाया। फिल्ममेकर के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर कपिल के शो के बहिष्कार की मांग की जा रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी है। जंग के बीच जहां भारत यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है, वहीं भारत का एक छात्र यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया है, जो रूस से लोहा लेने को तैयार है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर का रहने वाला सैनिकेश रविचंद्रन यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया है। सैनिकेश के माता पिता ये जानकर काफी दुखी हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा है कि उनके बेटे ने ये फैसला लिया है। अब तक 50,000 से ज्यादा सांपों को बचा चुकी विनीता जगदेव बोराटे को आज महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें राष्ट्रपति ने अपने हाथों से दिया है, जो कि अपने बाद में गर्व की बात है। आपको बता दें कि विनीता को वन्यजीव संरक्षण के लिए उनके विशेष प्रयासों के लिए ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। वो सांपों को बचाने के साथ ही उनके संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान भी चलाती है। अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका चालान कट सकता है। मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता न देने पर भी आपका चालान कट सकता है। दरअसल इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे फायर ब्रिगेड वाहन और एम्बुलेंस को रास्ता देना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर मोटर चालकों का 10,000 रुपए का चालान कटना तय माना जाएगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बहुत तेजी से गिरावट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 8 मार्च के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 663 दिनों के बाद सबसे कम दैनिक कोविड 19 के आंकड़े सामने आए हैं। मंगलवार यानी कि 8 मार्च को देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,993 नए मामले दर्ज किए गए और 108 लोगों की जान गई है। वहीं देश में एक्टिव केसों की संख्या में भी गिरावट हुई है। देश में वर्तमान में एक्टिव केस 49,948 है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ रहे हैं। नतीजों से पहले वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट को लेकर के दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। याचिका में ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होते ही वीवीपैट के सत्यापन की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर 9 मार्च को सुनवाई करेगा। रूस और यूक्रेन की जंग में कुछ दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में सैनिकों की गोली से घायल हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह अपने देश भारत आ गया है। भारतीय वायुसेना के विमान से सोमवार शाम को हरजोत सिंह को हिंडन एयरबेस पर उतारा गया। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह के मुताबिक 205 भारतीय छात्र उस विमान से लौटे हैं, जो पोलैंड के रेजिजो से सुबह 10:30 बजे रवाना हुआ था। सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन HDIL के शेयरों पर अपर सर्किट लग गया है। बीते 2 मार्च को कंपनी का शेयर भाव 4.01 रुपए पर था, जो 52 सप्ताह का निचला स्तर है। अब शेयरों का भाव बढ़कर 5.23 रुपए पर आ गया है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 247.90 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि 9 से 10 मार्च को HDIL के वित्तीय लेनदार इस संकटग्रस्त रियलिटी फर्म का दिवाला कार्रवाई के माध्यम से अधिग्रहण करने के विषय पर चर्चा करेंगे। रूस की तरफ से गैर मित्र देश की सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि रूस की सरकार ने उन देशों और क्षेत्रों की सूची को मंजूरी दे दी है जिनका रूस के मित्रतापूर्ण संबंध नहीं है, और उन्होंने यूक्रेन में रूसी सशस्त्र बलों के एक विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद रूस के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए हैं। यूपी चुनाव के एग्जिट पोल में भाजपा फिर से सरकार बनाती दिख रही है। 5 एग्जिट पोल में अखिलेश यादव बहुमत से बहुत दूर हैं। भाजपा को 257 से 273, SP को 114 से 130 और BSP को 8 से 15 सीट मिल सकती है। एग्जिट पोल सही और गलत हो सकते हैं, इसका फैसला 10 मार्च को होगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
भारत के प्रमुख सूचकांक S&P, BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी 50 का पिछले कारोबारी सत्र से नुकसान बढ़ा है और मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई है। युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने निवेशकों को प्रभावित किया है। यूक्रेन संकट के कारण सोमवार को ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई। सुबह 9:49 पर सेंसेक्स 0.1% या फिर 48 अंक नीचे 52,795 अंक पर था, जबकि निफ्टी 0.2% या 33 अंक नीचे 15,830 अंक पर था। आप जब भी नेशनल हाईवे पर रात में सफर करते हैं तो आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे रोड पर कुछ लाइट चमकती रहती है। कुछ कुछ दूरी पर ये लाइट चमकती हुई दिखाई देती है तो कुछ जगहों पर आपकी गाड़ी की लाइट पर जलने या फिर लाइट दिखाई देती है, जबकि कुछ सड़क पर तो LED की तरह हमेशा लाइट जलती रहती है या फिर ये लाइट ब्लिंक करती रहती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी 7 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। 10 मार्च को इसके नतीजे आएंगे। इससे पहले ज्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया गया है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयंत चौधरी ने कहा है कि जब तक ईवीएम खुल नहीं जाती किसी को भी नतीजे का पता नहीं चल पाता। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने से ही पहले बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यूपी चुनाव को लेकर बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी चुनाव एक तरफा चुनाव है, जनता ने ठान लिया है कि भाजपा को भगाना है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे। भाजपा के नेताओं में जो चिंता दिखाई दे रही है उसे साफ है कि यूपी में भाजपा की सरकार जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी की जनता ने भाजपा के नेताओं को आईना दिखा दिया है। महिला दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जल्द ही नई महिला सशक्तिकरण नीति लाई जाएगी और महाविकास अघाड़ी सरकार महिलाओं के लिए इन योजनाओं को लागू कर उनका कल्याण करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठाकरे ने कहा है कि महिलाओं में सभी क्षमताएं रखती हैं लेकिन उन्हें अवसर मिलने की जरूरत है। महिला पुलिसकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, चिकित्सक और नर्स ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान कड़ी मेहनत की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज बेंगलुरु में हुए इंडिया ग्लोबल फोरम में क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव आशीष सिंघल के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर अपना पक्ष इस पर चालू विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रखेगी। आज महिला दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने समाज में महिला की ताकत का भी जिक्र किया है और साथ ही सभी लोगों से अपील की है कि महिलाओं का सम्मान करते रहे। CNG के दाम बढ़ने की वजह से आम लोगों की जेब भी ढीली हो रही है लेकिन शेयर बाजार में इसका फायदा निवेशकों को जरूर मिला है। दरअसल CNG के दाम बढ़ने के बाद शहरों में गैस वितरण करने वाली कंपनियों के शेयर रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। दिल्ली NCR में CNG वितरण करने वाली प्रमुख कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस के शेयर में जबरदस्त रिकवरी आई है। बीते कारोबारी दिन इंद्रप्रस्थ गैस का शेयर भाव 322.10 रुपए था, जो 52 सप्ताह का लो लेवल है। आजकल डिजिटल पेमेंट करने का चलन बहुत बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप के जरिए किया जाता है, जिसमें आपको इंटरनेट और स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब आप स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना भी पेमेंट कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने घोषणा की है कि फीचर फोन वाले लोग जल्द ही भुगतान करने के लिए UPI का उपयोग कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ वंशवाद की राजनीति की चर्चा भले ही खत्म हो गई हो लेकिन राजनीतिक नेता अपनी पार्टियों में भाई भतीजावाद को जमकर बढ़ावा दे रहे हैं। फैमिली क्लब में शामिल होने वाली नेता बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती हैं। उन्होंने अपने भतीजे आकाश को बसपा के एकमात्र राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि साल 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में तेजी लाना आवश्यक है। इस तथ्य पर जोर देते हुए हरित वित्त पोषण समय की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने साल 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने रूस को नुकसान पहुंचाने और सबक सिखाने के मकसद से उससे आने वाले तेल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। अमेरिका ने यूरोप के अन्य देश में इस संबंध में जल्द कार्रवाई करने और इस पर मुहर लगाने की भी अपील की है। वहीं रूस ने इसको लेकर आगाह किया है। अमेरिका समेत समूचे पश्चिमी देश को रूस ने यह भी धमकी दे डाली है कि यदि उसके तेल की सप्लाई को प्रतिबंधित किया गया तो वो यूरोप को होने वाली अपनी गैस की सप्लाई को रोक देगा। IPL 2022 शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले ही महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स में आयरलैंड के लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज जोश लिटिल की एंट्री हुई है। जोश CSK के नेट गेंदबाज के तौर पर शामिल होंगे। IPL में बहुत ही कम टीमों के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है। चेन्नई सुपर किंग्स हर बार किसी न किसी युवा खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ती है। पिछली बार अफगानिस्तान के फजल फारूकी की CSK ने नेट गेंदबाजों के रूप में अपने साथ यात्रा कराई थी। भारतीय जनता पार्टी से निलंबित नेता जयप्रकाश मजुमदार ने मंगलवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वो पिछले कुछ महीने से पश्चिम बंगाल में भगवा दल के नेतृत्व की लगातार आलोचना कर रहे थे। इस दौरान TMC प्रमुख ममता बनर्जी और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
शहरी क्षेत्रों में शिक्षित महिलाओं की कार्यबल में कम भागीदारी के मद्देनजर एक्सिस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क नाम से एक पहल की शुरुआत की है, जिसका मकसद उन महिलाओं को अवसर देना है जो पेशेवर क्षेत्र में फिर भी शामिल होना चाहती हैं। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष और मानव संसाधन प्रमुख राजकमल वेम्पति ने बैंक की भर्ती पहल हाउस वर्क इज वर्क के बारे में बताया है कि इस पहल का मकसद इन महिलाओं को ये भरोसा दिलाना है कि वो रोजगार योग्य है, उनके पास कौशल है और वो बैंक में विभिन्न भूमिकाएं निभा सकती हैं। 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को सेक्शन 80EE1 के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट बंद करने जा रही है। दरअसल बजट 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धारा 80EE1 के तहत इनकम टैक्स लाभ को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया था। इससे घर खरीदारों को आयकर छूट का दावा करने की अनुमति मिली थी। चारू असोपा ने बेटी को जन्म दिया है और बेटी के जन्म के बाद से ही राजीव और चारू के बीच अनबन की खबरें भी सामने आ रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन रिपोर्ट्स पर चारू और राजीव दोनों ने ही किसी को कोई बयान सामने नहीं दिया है। दोनों की चुप्पी पर दोनों ने इस मामले में चुप्पी साधी है। पति राजीव से अनबन की खबरों के बीच चारू ने अपनी ननद सुष्मिता सेन के साथ तस्वीर शेयर की है। वुमेन्स डे के मौके पर सुष्मिता सेन को टीका लगाते हुए चारू ने फोटो शेयर की। भारत में कोरोना वायरस के केसों में लगातार कमी का दौर देखने को मिल रहा है और एक्टिव मामलों की संख्या 50,000 से कम हो गई है। इस बीच महामारी विज्ञानी डॉक्टर टी जैकब जॉन ने भारत के लिए बड़ी राहत का अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि देश में तीसरी लहर खत्म होने के दौर में है और अब चौथी वेव नहीं आएगी। उन्होंने कहा, मुझे पक्का भरोसा है कि भारत में कोरोना की चौथी लहर नहीं आएगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण क्रूड ऑयल की कीमत आसमान छू रही है। शेयर बाजार अस्थिर हो गए, इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। माना जा रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल के कारण अब भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, जो आम आदमी के लिए सीधे तौर पर चोट होगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जितेंद्र कुमार, एमके यादव, नुनू कुमार, ललन केशरी, रंगलाल कुमार, सुमन सौरभ, राहुल कुमार, नीतीश कुमार, रोहित कुमार, पवन कुमार, सुमन कुमार, रंगलाल लैंसर, अनु कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार डिजिटल पेमेंट के शुरू हो जाने से आम लोगों को फायदा हुआ है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।